हेलो स्टूडेंट्स चलिए आगे बढ़ाते हैं हम बात कर रहे थे रॉक्स रिएक्शंस की रॉक्स रिएक्शंस में हमने अभी तक जो पढ़ा वो ये था कि हाउ टू फाइंड आउट द ऑक्सीडेशन नंबर साथ में हमने बात की व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ रिडक्शन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूसिंग एजेंट चलिए अब आगे बात करेंगे टाइप्स ऑफ रडॉक्स रिएक्शंस की तो लिखेंगे टाइप्स ऑफ रडॉक्स रिएक्शंस types of redox reactions one intermolecular redox reactions और नाम से मालूम पड़ रहा है इंटरमॉलिक्यूलर रेडॉक्स रिएक्शन मींस अलग-अलग मॉलिक्यूल्स में से किसी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन होगा और किसी एलिमेंट का रिडक्शन होगा तो जैसे ये के एम एन ओ फो प्लस एच टू सी टू ओ फो एसिडिक मीडियम में के एम एन ओ फोर ऑक्जेलिक एसिड को ऑक्सीडाइज करता है बनाता है सी ओ टू एंड एम एन टू प्लस तो ध्यान दो मैंगनीज प्लस सेवन से पहुंच गया प्लस टू में सिमिलरली यहाँ पर हम कहेंगे कार्बन प्लस थ्री से चुका है प्लस फोर में यह रिडक्शन हुआ और के सॉरी यह ऑक्सीडेशन हुआ केमोनोफोर का रिडक्शन हुआ तो इंटरमोलिकुलर रिएक्शन मींस एलिमेंट्स अंडरगोइंग ऑक्सीडिशन एंड रडक्शन बिलोंग टू द डिफरेंट मॉलिक्यूल्स एक होता है इंट्रामोलिकुलर इंट्रामोलिकुलर एड ऑक्सरिएक्शन नाम से मालूम पड़ रहा है एलिमेंट्स अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बिलोंग टू द सेम मॉलिक्यूल जैसे के सी एल ओ थ्री आप इसे हीट करते हैं तो डिकम्पोज हो जाता है के सी एल प्लस ओ टू में क्लोरीन प्लस पाँच में है यहाँ ऑक्सीजन माइनस टू में है क्लोरीन माइनस वन में आ गया ऑक्सीजन जीरो में आ गया तो क्लोरीन का तो हुआ रिडक्शन और ऑक्सीजन का यहां हुआ ऑक्सीडेशन तो क्लोरीन uh, और ऑक्सीजन एक ही मॉलिक्यूल को बिलोंग कर रहे हैं तो ऐसे को बोलते हैं हम इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन अच्छा एक और है थर्ड दिस इज इंपॉर्टेंट इस पर क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं डिस रिएक्शन डिस्पोर्शनेशन रिएक्शन दिस इज इंपॉर्टेंट इसको थोड़ा तो ध्यान देंगे तो सेम एलिमेंट फ्रॉम सेम ऑक्सीडेशन स्टेट फ्रॉम रिएक्टेंट अंडरगोज ऑक्सीडेशन एज वेल एज रडक्शन सेम एलिमेंट फ्रॉम द सेम ऑक्सीडेशन स्टेट फ्रॉम सेम रिएक्टेंट अंडरगोज ऑक्सीडेशन एज वेल एज रडक्शन फ्रॉम सेम रिएक्टेंट एग्जाम्पल लो तो आसानी से आप बात समझ पाएंगे जैसे पी फोर ये वाइट फॉस्फोरस है बेसिक मीडियम में अंडरगोज डिस्प्रपोर्शन टू फॉर्म एच टू टू माइनस प्लस फॉस्फीन गैस पी एस थ्री वाइट फॉस्फोरस फॉस्फोरस जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में था यहां प्लस वन में आ गया और यहां माइनस थ्री में आ गया आप देखो ध्यान से फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन भी हुआ है और फॉस्फोरस का रिडक्शन भी हुआ है ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा भी है और घट भी गया और एग्जाम्पल लें जैसे ब्रोमीन बेसिक मीडियम में डिस्प्रोपोर्शनेट हो जाता है ब्रोमाइड आयन एंड ब्रोमेट आयन अगर ध्यान से देखेंगे तो ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो यहां माइनस वन यहां प्लस फाइव तो देखो इसी ब्रोमीन का रिडक्शन भी इसी ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन भी तो ये तो हुआ रिडक्शन और यहां हुआ ये ऑक्सीडेशन तो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन एक और एग्जाम्पल चलो लेते हैं जैसे एस थ्री पीओ थ्री इसको जब हीट करते हैं तो ये डिस्प्रपोर्शनेट हो जाता है एस थ्री पीओ फोर में प्लस फॉस्फिन गैस में एस थ्री पीओ थ्री में फॉस्फोरस प्लस थ्री है यहां आप देखोगे तो प्लस फाइव में आ गया और यहां माइनस थ्री में आ गया तो सेम एलिमेंट फ्रॉम द सेम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीडेशन भी हुआ रिडक्शन भी हुआ तो ये कहलाएंगे डिस्प्रोपोशनेशन रिएक्शंस तो ऑल दीज एग्जांपल्स ऑफ डिस्प्रोपोशनेशन रिएक्शंस अच्छा यहीं पे एक बात ध्यान दें जैसे अभी आपने पढ़ा था कि ब्रोमीन बेसिक मीडियम में डिस्प्रपोशनेट हो जाता है बी आर माइनस एंड बी आर ओ थ्री माइनस यह तो हुआ डिस्प्रपोशनेशन बट अगर आप वापस इसका मीडियम एसिडिक कर दो तो ब्रोमाइट आयन ब्रोमाइड आयन एंड ब्रोमेट आयन कंबाइन करके एसिडिक मीडियम में वापस क्या बनाएंगे बी आर टू एंड दिस इज कॉल्ड कॉम प्रोपोर्शनेशन तो एक तरीके से कॉम प्रोपोर्शनेशन क्या है रिवर्स ऑफ डिस्प्रपोर्सनेशन तो कॉम प्रोपोर्शनेशन ज द रिवर्स ऑफ डिसप्रपोशनेशन तो इस तरीके से डिफाइन करते हो डिस्प्रपोशनेशन एंड कॉम अब हमारा हेडिंग आएगा बैलेंसिंग ऑफ प्रोडॉक्स रिएक्शन डॉक्स रिएक्शन को कैसे बैलेंस करें इसके दो मेथड हैं आयन इलेक्ट्रॉन मेथड और दूसरा है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड एंड आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। वी आर गोइंग टू लर्न बोथ वन बाय वन लेटस राइट द हेडिंग आयन इलेक्ट्रॉन मैथड आयन इलेक्ट्रॉन मेथड चलो एग्जांपल लेके ही बात करते हैं ताकि हम बात को अच्छे से समझ भी पाएं तो आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में जैसे एग्जांपल लिया हमने एम एक पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है एच टू सी टू ओ फो ऑक्सैलिक एसिड मीडियम मेंटेन किया एसिडिक विद ऑफ एच टू एस प्रोडक्ट दिए हुए होंगे क्वेश्चन में मान लो एम एन एस प्लस सी ओ टू प्लस के सी एल और के टू एस ये मान लो रिएक्शन है रिएक्टेंट्स दिए हुए प्रोडक्ट दिए हुए हमें बैलेंस करना है यूजिंग द मैथड कॉल्ड आयन इलेक्ट्रॉन मैथड तो मैं स्टेप लिखता जाता हूं ब्रीफली और उसको फॉलो भी करते जाएंगे हमारे सामने रिएक्शन भी है ताकि जो हम थियोरटिकल पॉइंट पढ़ रहे हैं वो हम प्रैक्टिकली अप्लाई भी कर सकें इन बैलेंसिंग ऑफ द रिडॉक्स रिएक्शन तो पहला स्टेप लिखेंगे असाइन ऑक्सीडेशन नंबर एंड right oxidation half and reduction half in terms of ions and electrons to pehchano. assign oxidation number manganese is plus 7 carbon is uh, प्लस थ्री मैंगनीज कन्वर्ट हो गया प्लस टू में और कार्बन प्लस फोर में अब बात यहां पे मैंने पहले भी बताया था कई बार डाउट आता है कि सर आपने ना पोटेशियम का लिखा ना हाइड्रोजन का लिखा सल्फर का भी नहीं लिखा ऑक्सीडेशन स्टेट क्योंकि इनके ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई चेंज नहीं हो रहा है अच्छा जिन स्पीशीज या जिन एलिमेंट्स के ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई चेंज नहीं है उन्हें हम कई बार स्पेक्टेटर स्पीशीज बोलते हैं दे आर नॉट एक्चुअल प्लेयर्स एक्चुअल प्लेयर्स तो यही है मैंगनीज अंडरगोइंग द चेंज ऑफ अंडरगोइंग द चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर टू प्लस टू कार्बन प्लस थ्री से प्लस फोर तो केवल वही लिखने की जरूरत है तो सर अगर लिख दिया तो क्या होगा तो क्या होगा कुछ नहीं होगा लिख भी दिया तो वो काम में नहीं आएंगे तो लिखो या मत लिखो कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है तो पहला स्टेप क्या था ऑक्सीडेशन नंबर असाइन करो कर दिए आइडेंटिफाई दिन हाफ राइट द ऑक्सीडेशन हाफ एंड रिडक्शन हाफ इन टर्म्स ऑफ आय एंड इलेक्ट्रॉन्स आय एंड टर्म्स में इधरा देखो क्या रिडक्शन हुआ है एम एन का तो बस एम एन पिक करो एक एम एन है तो एम एन पिक करो और उसके ऊपर उसका ऑक्सीडेशन नंबर लिख दो प्लस सेवन किसमें कन्वर्ट हुआ एम एन प्लस टू में अब इसे बैलेंस करो एक मैंगनीज इधर एक मैनगेज इधर पांच इलेक्ट्रॉन यहां ऐड कर दिए जाएं, तो दिस इज बैलेंस्ड एंड दिस इज रिडक्शन हाफ ऐसे ही, अब लो ऑक्सीडेशन हाफ कार्बन का ऑक्सीडेशन हुआ है प्लस 3 से, प्लस से में। कार्बन पिक करो बस यहां से और कार्बन भी कितना पूरा टू पिक करो दो कार्बन है ना प्लस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट से कहां पहुंचा दिया कार्बन प्लस फोर में एक ही कार्बन है यहां पर तो बस एक ही कार्बन उठाओ यहां से प्लस फोर में इसको भी बैलेंसिंग करो बैलेंसिंग हमेशा दो चीजों के रेस्पेक्ट में होती है मास बैलेंस एंड चार्ज बैलेंस तो मास बैलेंस का मतलब यहां दो मोल्स कार्बन के हैं तो यहां दो से मल्टीप्लाई कर दो ये हुआ मास बैलेंसिंग अब चार्ज बैलेंस चार्ज बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करके करना है कैसे प्लस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट एक तरीके से इस पर प्लस थ्री चार्ज है दो कार्बन है तो टोटल चार्ज कितना हुआ प्लस सिक्स यहां टोटल चार्ज कितना हुआ प्लस फोर इंटू टू प्लस एट प्लस सिक्स प्लस एट दो इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो दैट्स इट दिस इज ऑक्सीडेशन हाफ तो ये रिडक्शन हाफ ये ऑक्सीडेशन हाफ बैलेंस भी हो गया पहला स्टेप कंप्लीट हुआ स्टेप टू एड ऑक्सीडेशन हाफ एंड रिडक्शन हाफ सच दैट इलेक्ट्रॉन आर कैंसिल्ड आउट ऐड करो कैसे ऐड करें कि इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल आउट हो जाएं तो एक काम करो पहली रिएक्शन को दो से मल्टीप्लाई कर लो और दूसरी रिएक्शन को पांच से मल्टीप्लाई कर लो क्यों किया इलेक्ट्रॉन है ये कैंसिल आउट करने हैं ऐड करने पर और ये लेफ्ट साइड में है और ये राइट right साइड में है पांच इलेक्ट्रॉन को दो से मल्टीप्लाई करो टेन इलेक्ट्रॉन्स दो इलेक्ट्रॉन को पांच से मल्टीप्लाई करो टेन इलेक्ट्रॉन्स ऐड करोगे तो कैंसिल आउट हो जाएंगे तो करो ऐड करेंगे तो टू एम एन प्लस सेवन प्लस फाइव सी टू प्लस थ्री वाला ऑक्सीडेशन स्टेट वाला दो से मल्टीप्लाई किया mn को तो टू एम एन प्लस टू प्लस फाइव इंटू टू टेन सी प्लस फोर वाला आप एक बार वर्कआउट करेंगे अलग रफ कॉपी में इसे देख करके तो आप समझ जाएंगे कि हाउ वी हैव अराइव्ड टू दिस इक्वेशन तो दिस इज द रेडॉक्स रिएक्शन इसको आप थोड़ा स्टेप थ्री लिखो यहां फिल बल्कि ऐसे लिखो राइट द बैलेंस्डॉक्स बैलेंस्ड रडॉक्स पार्ट इन टर्म्स ऑफ गिवन स्पीशीज क्या मतलब हुआ ये बैलेंस्ड रेडॉक्स पार्ट जो है ये गिवन स्पीशीज के टर्म्स में लिखो तो ये एम एन प्लस सेवन से पिक किया था आपने के एम एन से तो लिख दो एम एन ओफ प्लस सी टू कहां से पिक किया था एच टू सी टू ओ फोर से तो फाइव एच टू सी टू एम एन कहां से पिक किया था MnSO4 तो टू एम एन एस और ये कार्बन प्लस फोर वाला कहां से पिक किया था कार्बन डाइऑक्साइड सीओ टू से टेन सीओ टू तो ये रेडॉक्स पार्ट आ गया स्टेप फोर बैलेंस एलिमेंट्स अदर देन एच एंड हाइड्रोजन ऑक्सीजन को छोड़ के बाकी सभी बैलेंस करो तो करो बैलेंस अब देखो यहां दो पोटेशियम है और तो यहां कोई पोटेशियम आया नहीं अच्छा ओरिजिनल रिएक्शन में अगर आप ध्यान से देखोगे तो पोटेशियम के टू फोर के फॉर्म में आ रहा है तो आप क्या लिखोगे टू के एम एन ओ फो प्लस फाइव एच टू सी टू ओ फो कन्वर्टेड टू टू एम एन फो प्लस टेन सी ओ टू और दो पोटेशियम को बैलेंस करने के लिए एक के टू फोर जोड़ दिया क्योंकि क्वेश्चन के अंदर आपको पोटेशियम के टू एसोफोर के फॉर्म में दिया हुआ है प्रोडक्ट में अब सल्फर को और बैलेंस करो दो सल्फेट यहां एक सल्फेट यहां तीन सल्फेट तो तीन जोड़ दो तो पूरा 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 सल्फेट ही हो हो गया गया या सल्फर अब देखो मैंगनीज बैलेंस हो गया कार्बन बैलेंस हो गया पोटेशियम बैलेंस हो गया सल्फर बैलेंस हो, हो गया और बचा क्या केवल हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आपने यही तो कहा था स्टेप फोर बैलेंस द एलिमेंट्स अदर देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन नाउ द लास्ट स्टेप बैलेंसिंग ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन अच्छा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की बैलेंसिंग में थोड़ा सा सावधान रहना है इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं ए इन एसिडिक और न्यूट्रल मीडियम एसिडिक और न्यूट्रल मीडियम इनफैक्ट हमारा जो क्वेश्चन है हमने जो एग्जाम्पल लिया है अगर ध्यान से देखो तो इसमें रिएक्टेंट के रूप में लिया हुआ है और H2SO4 will make the तो H2SO4 से जो H आएंगे वो को एसिडिक मेंटेन करेंगे तो एसिडिक और न्यूट्रल मीडियम में कौन सी गाइडलाइंस फॉलो करनी है ये गाइडलाइंस हैं हमें बैलेंस करना था हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पहले किसको बैलेंस करें ऑक्सीजन को हाइड्रोजन हमेशा एंड में बैलेंस होगा तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन में पहले किसे बैलेंस करें ऑक्सीजन को तो एड H2O टू ओ टू बैलेंस ओ ओ को बैलेंस करने के लिए जिधर ओ कम हो वहां H2O ऐड कर दो ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया अब बारी हाइड्रोजन की एड एच प्लस टू बैलेंस एच एच को बैलेंस करने के लिए एच प्लस एड कर लो चलो वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पर क्या था टू के एम एन ओ फोर यहां तक तो ही गए थे प्लस फाइव एच टू सी टू ओ फोर प्लस थ्री एच टू फोर प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ टू एम एन फोर में प्लस टेन सी ओ टू में प्लस के टू एस ओ फोर में अब बारी देखो हाइड्रोजन ऑक्सीन की थी उससे पहले हम सारे एलिमेंट्स बैलेंस कर चुके थे इस रेडॉक्स रिएक्शन में पहले क्या लें हाइड्रोजन ऑक्सीजन में ऑक्सीजन तो गिन लो ऑक्सीजन फोर इंटू टू एट ट्वेंटी ट्वेंटी एट बारह और ट्वेल्व और फोर्टी फोर्टी हो गए एट ट्वेंटी एट और फोर थर्टी टू थर्टी टू का मतलब यहाँ बत्तीस ऑक्सीजन है थर्टी टू और यहाँ फोर्टी हैं आप एट एच टू ओ लिख लो ऑक्सीजन पूरा हो गया अब बारी किसकी हाइड्रोजन की तो गिनो हाइड्रोजन कितने हैं एट इंटू टू सिक्सटीन हाइड्रोजन यहां कितने हैं फाइव इंटू टू टेन एंड सिक्स सिक्सटीन दैट्स इट हाइड्रोजन इज बैलेंस्ड कुछ करने की जरूरत नहीं है सो दिस इज अवर आंसर ये है बैलेंस्ड इक्वेशन तो दिस वाज़ द बैलेंसिंग ऑफ अ रेडॉक्स रिएक्शन यूजिंग आयन इलेक्ट्रॉन मेथड और ये पर्टिकुलर क्वेश्चन जो हमने लिया था वो एसिडिक मीडियम का था एसिडिक मीडियम में बैलेंसिंग कर ली बट अभी बात पूरी नहीं हुई ये तो एसिडिक और न्यूट्रल मीडियम में था हो सकता है कि क्वेश्चन में मीडियम बेसिक दिया हुआ हो कोई बेस यूज किया हुआ हो या बेसिक मैंशनड हो तो लिख तो लेते हैं नियम क्या है बी इन बेसिक मीडियम बेसिक मीडियम में बैलेंसिंग कैसे करें हाइड्रोजन ऑक्सीजन की तो वापस हाइड्रोजन ऑक्सीजन पहले किसे बैलेंस करना है ऑक्सीजन को तो एड एच टू ओ टू बैलेंस ओ ऑब्वियसली एच टू ओ किस साइड में एड करोगे जहां ऑक्सीजन कम है ताकि ऑक्सीजन की बैलेंसिंग हो जाए एड एच प्लस टू बैलेंस एच अब यहीं पे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन आता है कि सर H+ प्लस कैसे अलाउड है बेसिक मीडियम में तो इनफैक्ट हम क्या जानते हैं कि H+ प्लस तो जिंदा ही नहीं रहेंगे बेसिक मीडियम में कौन रहेगा ओ एच माइनस तो फाइनली एच टू ओ एंड ओ एच माइनस शुड बी यूज्ड हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बेसिक मीडियम में बैलेंस करना है तो फाइनल इक्वेशन में वाटर दिख सकता है ओ एच माइनस दिख सकता है ऐसी हम एक बात यहां लिख लेते हैं ज्यादा अच्छा होगा जैसे एसिडिक मीडियम था अभी अभी पढ़ के चुके हैं आप तो एसिडिक मीडियम में बैलेंसिंग करने के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे फाइनली एच प्लस एंड एच टू शुड बी यूज्ड अब देखो हम ये कह रहे हैं कि फाइनली बेसिक मीडियम में अगर बैलेंसिंग करनी है तो ओ एच माइनस और वाटर का इस्तेमाल होना है बट आप कोई बात नहीं आप एच प्लस एड तो करो हाइड्रोजन बैलेंसिंग करने के लिए कर लिए एड अगर रिएक्शन में फाइनल रिएक्शन में एच प्लस आ गए हैं तो एच प्लस तो अलाउड है नहीं तो वी कैन किल एच प्लस तो किल एच प्लस बाई एडिंग क्वल नंबर ऑफ ओ एच माइनस टू बोथ साइड अगर मान लो एच प्लस एड करने के बाद में हाइड्रोजन की बैलेंसिंग करने के बाद में एच प्लस दिखलाई पड़ रहे हैं और बेसिक मीडियम है यह बात पक्की है कि एच प्लस अलाउड नहीं है बेसिक मीडियम में तो एच प्लस को खत्म किया जा सकता है यू कैन किल द एच प्लस बाई एडिंग ओ एच माइनस टू द बोथ साइड्स वो कैसे जैसे ही आपने H+ प्लस और OH- एच माइनस एड करवाए तो आप जानते हो H+ प्लस और OH- एच माइनस इज ए न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस इट फॉर्म्स वॉटर कैसे एक एग्जाम्पल लेके बात करते हैं आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा एग्जाम्पल लेके बात करेंगे यहां पर जैसे मान लो एक ऐसा मीडियम ले लिया सी आर ओ एस थ्राइज प्लस आईओ थ्री माइनस सी आर ओ फोर माइनस प्लस मान लो ये बन गया आई टू ये एक रिएक्शन है जिसे बैलेंस करना है और मान लो मीडियम दिया है बेसिक मीडियम एग्जाम्पल लिया हमने तो इसमें अगर बैलेंसिंग करनी हो तो हाउ टू डू बैलेंसिंग लेट अस सी क्रोमियम प्लस थ्री क्रोमियम प्लस सिक्स में कन्वर्ट हुआ ऑक्सीडेशन हुआ आयोडीन प्लस पांच में है अच्छा थोड़ा सा एक मॉडिफिकेशन कर लो इसे आई टू लो एक्चुअली आई टू इज अनस्टेबल इन द बेसिक मीडियम आई टू अंडर गोज डिस्प्रोपोशनेशन तो इसे आई माइनस में कन्वर्ट कर लेते हैं ये सही रिएक्शन है कि आयोडेट आयन कन्वर्ट इन टू आई माइनस इन द बेसिक मीडियम तो मान लो ये प्लस पांच था कहां पहुंच गया माइनस में इनमें ठीक है अब पहला स्टेप क्या था असाइन द ऑक्सीडेशन नंबर राइट द ऑक्सीडेशन हाफ एंड रिडक्शन हाफ टू क्रोमियम प्लस तीन से कहां पहुंचाया क्रोमियम प्लस छह में एटम्स तो वन वन है तीन तो इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो ऑक्सीडेशन हाफ हो गया रिडक्शन हाफ के लिए आयोडीन पिक करो केवल कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस पांच किस में कन्वर्ट हुआ आई माइनस में माइनस वन ऑक्सीडेशन स्टेट में आई माइनस में तो आई माइनस में कन्वर्ट हुआ छह इलेक्ट्रॉन यहां ऐड कर दो हो गई बैलेंसिंग इन दोनों की अब क्या करें इसमें तीन इलेक्ट्रॉन है इसमें छह इलेक्ट्रॉन है इसको दो से मल्टीप्लाई करो इसको वन से मल्टीप्लाई करो और ऐड कर दो ताकि हमारे पास रिएक्शन आए तो फिर क्या मिलेगा टू सी आर थ्री प्लस पूरा ही लिख देते हैं टू सी आर ओ एच थ्राइस प्लस आईओ थ्री माइनस कन्वर्टेड टू टू सी आर ओ फोर टू माइनस प्लस I- माइनस ये रेडॉक्स पार्ट रेडी है रेडॉक्स पार्ट बैलेंसिंग हो गई अब बारी है हाइड्रोजन ऑक्सीजन की तो वही तो हम कह रहे थे कि बेसिक मीडियम में थोड़ा केयरफुल रहें इन बैलेंसिंग ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन तो करो बैलेंसिंग हाइड्रोजन ऑक्सीजन की पहले ऑक्सीजन कितना है ऑक्सीजन थ्री इंटू टू सिक्स और थ्री नाइन यहां एट क्या करें एक एच टू कर दो वन ओनली तो वन एच टू ओ यू हैव टू एड ऑक्सीजन कितना हो गया अब नाइन था अब भी नाइन हो गया अब हाइड्रोजन की बारी गिनो हाइड्रोजन कितने हैं थ्री इंटू टू सिक्स यहां कितने हैं टू ओनली यहां सिक्स हैं और यहां हाइड्रोजन ओनली टू है तो अगर ओनली टू है और यहां सिक्स हैं तो फिर क्या करें फोर एच प्लस एड कर लो अच्छा फोर एच प्लस एड करने के बाद एक बात तो क्लियर है कि एच प्लस तो अलाउड है नहीं तो क्या करें फिर एच प्लस को किल करो कैसे किल करें बाई एडिंग फोर ओ एच माइनस टू बोथ साइड्स तो एक काम करो फोर ओ एच माइनस यहां एड करो और फोर ओ एच माइनस यहां एड करो अब देखो फोर एच प्लस एंड फोर ओ एच माइनस क्या बना लेंगे फोर वाटर मॉलिक्यूल्स चार वाटर बन गए यहां, एक वाटर पहले से ही है तो क्या हो गया फाइव एच टू ओ तो अब रिएक्शन ऐसी हो गई टू सी आर ओ एच थ्राइस प्लस आईओ थ्री माइनस प्लस फोर ओ एच माइनस कन्वर्टेड टू टू सी आर ओ फोर टू माइनस प्लस आई माइनस प्लस फाइव एच टू दिस इज द फाइनली बैलेंस्ड इक्वेशन अच्छा इन क्वेश्चंस में आप स्वयं चेक कर सकते हो सेल्फ चेक हो सकता है कि आपने सही बैलेंसिंग की है या नहीं की है बाय डूइंग द मास बैलेंस एंड चेक बैलेंस तो चेक फॉर मास बैलेंस एंड चार्ज बैलेंस कैसे मास बैलेंस तो यही होता है कि नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट टू द बोथ साइड्स शुड बी इक्वल चार्ज बैलेंस कैसे चेक करें देखो टोटल चार्ज कितना है वन नेगेटिव फोर नेगेटिव फाइव नेगेटिव टू इंटू टू माइनस फोर नेगेटिव एंड वन फाइव तो चार्ज इज इक्वल टू द बोथ साइड्स अच्छा रैंडमली चलो एक बार हाइड्रोजन चेक कर लें एंड दैट्स इट दिस इज द फाइनली बैलेंस्ड इक्वेशन तो यही आपका आंसर है सो दिस इज हाउ वी बैलेंस द रेडॉक्स रिएक्शन यूजिंग द आयन इलेक्ट्रॉन मैथड अब इसको यहीं स्टॉप करते हैं नेक्स्ट वीडियो जो बनाएंगे जो नेक्स्ट लेक्चर होगा टेक मोर एग्जाम्पल्स एंड वी विल लर्न टू बैलेंस द रडॉक्स रिएक्शन यूजिंग द ऑक्सीडेशन नंबर मैथड इन फैक्ट ऑक्सीडेशन नंबर मैथड ज्यादा आसान है और क्विक भी है उसमें इतना लिखना नहीं पड़ता तो दैट्स इट फॉर नाव यूल्टन